अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो है इंग्लिश ईडियम पे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्लो वंस ट्रम्पिट, ईडियम नंबर 12 है। ब्लो वंस ट्रम्पिट, ब्लो का मतलब होता है बजाना और ट्रम्पिट का मतलब होता है बाजा बजाना। तो ऐसा शख्स जो अपने मुंह मियां मिठू बने, अपनी तारीफ़ें खुद करे और अपनी ही क्वालिटीज़ को हाईलाइट करे, एग्जैजरेट करे, उसके लिए हम ये ईडियम यूज़ करते हैं, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पिट, अपने मुंह मियां मिठू बनना। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्या इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में। ब्लो वंस ओन ट्रम्पिट का मीनिंग होगा इंग्लिश में टू प्रेज वंस ओन सेल्फ, अपनी ही तारीफ़ें खुद करना। टू टेल एवरी वन योर ओन अचीवमेंट्स, किसी को अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताना, एग्जैजरेट करना। अब देखते हैं कि इस ईडियम को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, अपनी स्पीकिंग में कैसे यूज़ करके हम अपनी स्पीच को अच्छा बना सकते हैं। तो सेंटेंस है, आई डोंट लाइक पीपल हु ऑलवेज ब्लो देयर ओन ट्रम्पिट। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो हमेशा अपने मुंह मियां मिठू बनते हैं, अपनी तारीफ़ें खुद करते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, सानिया ऑलवेज ब्लोज हर ओन ट्रम्पिट। सानिया हमेशा अपने मुंह मियां मिठू बनती है, अपनी तारीफ़ें खुद करती रहती है। तो इस तरह से आप इस ईडियम को अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक, या अगर कोई बंदा अपनी तारीफ़ें खुद कर रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कि प्लीज़ डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पिट, आई डोंट लाइक योर हैबिट। आई थिंक किसी को भी किसी का अपने मुंह मियां मिठू बनना अच्छा नहीं लगता, बट आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ईडियम की समझ आ गई होगी, इसका मीनिंग क्या है, सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन ईडियम्स को याद कर सकें, सीख सकें और अपनी स्पीच को इम्प्रेसिव बना सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए ईडियम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।